क्षेत्र में बीते दिन चाकुओं से गोदकर अर्पित की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि किसी वीडियो क्लिप और पैसों के लेन देन के मामले में यह हत्या हुई थी। एसएसपी रुचिवर्धन सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते दिनों परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदा नगर के गोल स्कूल के पास अर्पित उर्फ भूरा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी राजा कचौरी और पंपम उर्फ आशीष शर्मा को बनवाह से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि किसी वीडियो क्लिप और पैसों के लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, इसी के चलते आरोपियों ने अर्पित की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 21 तारीख की रात को 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे के आसपास एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें नंदानगर इंदौर में अर्पित उर्फ भूरा नाम के 20 वर्षीय युवक को राजा कचौरी और पंपम उर्फ आशीष शर्मा इनके द्वारा चाकुओं से गोदने की बात सामने आई थी, और कुछ ही घंटों बाद में इसकी डेथ हो जाने पर इसमें थाना परदेशीपुरा में अपराध क्रमांक 615/19, धारा 307, 323, 294, 506, 34 और बढ़ करके धारा 302 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें सीएसपी परदेशीपुरा श्री पंकज दीक्षित, टीआई परदेशीपुरा विनोद कुमार दीक्षित और उनकी टीम ने लगातार इसमें निरंतर प्रयास किए, और इसमें सारे घटना के पहलुओं पर जब जांच की गई और उसमें जो एविडेंसेस थे, प्राइमरीली जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें सीडीआर के बेसिस पे इनके जो आप पृष्ठभूमि थी मरने वाले की, और जो प्राइमरीली जिन दो लोगों के नाम आए थे उनकी सारी पृष्ठभूमि को, और जो साक्ष्य मौके पर और घटना के आगे पीछे जो उपलब्ध थे उसके आधार पर लगातार प्रयास किए गए, और 20 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए इसमें घटना के कारण और इसमें जो आरोपी संलिप्त थे उनका पता, उनकी पतारसी करने में और मुख्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी करने में टीम को सफलता मिली है। इसमें घटना के संबंध में ये बात सामने आई है कि मृतक अर्पित उर्फ भूरा का आपराधिक रिकॉर्ड था, इसके कुछ पहले भी मामले थे, और इसका विवाद पंपम उर्फ आदर्श उर्फ आशीष शर्मा जो परदेशीपुरा का ही रहने वाला है उससे पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ विवाद पहले से चल रहा था। इसी प्रकार से जो दूसरा मुख्य आरोपी है राजा कचौरी, ये भी नंदानगर इंदौर परदेशीपुरा का रहने वाला है, इसका किसी वीडियो क्लिप को लेकर के इससे जो मृतक है अर्पित उससे विवाद चल रहा था। इन दोनों के विवाद में इन लोगों ने ये भी देखा कि उसी एरिया के लोकेश खोपड़े, आशु अंसारी और वतन शेख, ये भी तीन बदमाश प्रवृत्ति के, ये आपराधिक प्रवृत्ति के युवक हैं जिनका विवाद पूर्व में मृतक से हो चुका था। इन तीनों के साथ में भी इन दोनों मुख्य आरोपियों ने चर्चा की, टाइप किया, और उसके बाद ये पहले जो अन्य तीन थे ये पहले पूर्व में भी एक बार इसको अर्पित कुमार ने इसके घर जा चुके थे परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी, और उसके बाद में ये जो दो मुख्य आरोपी हैं इन्होंने अभी घटना दिनांक को ये पहले लोकेश खोपड़े के घर पर गए, वहाँ प्लान बनाया और लोकेश ने इनको चाकू उपलब्ध कराए, और घटना दिनांक को पहले राजा कचौरी ने उसको कॉल करके मृतक को बुलाया और एक बैठक के लिए बात की, और देर रात में जब ये इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने षड्यंत्र जो बनाया था उसके अनुसार इसको चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। फिलहाल इसमें ये घटना के तुरंत बाद में बड़वाह की तरफ भाग गए थे, इनको टीआई विनोद दीक्षित और उनकी टीम ने लग करके इनकी सूचना हासिल की, और इनको जब ये कहीं ट्रैवलिंग में थे उस दौरान इनको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी जो अभी अरेस्ट हुए हैं राजा कचौरी और पंपम उर्फ आशीष शर्मा हैं, और साथ ही इसमें आगामी अनुसंधान जो आपराधिक षड्यंत्र इसमें अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य किया गया है उसके पूरे खुलासे के लिए और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान अभी जारी है।